नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट में शुमार पूर्णिया की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे पूर्व सांसद पप्पू यादव पर महागठबंधन खेमे की बड़ी पार्टी के द्वारा लगातार वार किया जा रहा है, जिस पर पलटवार करते हुए पप्पू यादव ने बिना नाम लिए ट्वीट के जरिए उस पार्टी पर निशाना साधा और पूछा कि वे भाजपा से लड़ रहे हैं या फिर बीजेपी से डर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि महोदय, आप बीजेपी से डर रहे हैं और राहुल गांधी जी भाजपा से लड़ रहे हैं। दरअसल पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि कितनी नफरत ईर्ष्या है पूर्णिया से, कितना डर है पूर्णिया के बेटे से। पहले मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की, जब पूर्णिया की जनता ने मुझे बचाया तो बदहवासी में निजी हमला कर रहे हैं। पप्पू यादव ने इसी ट्वीट में राजद के मंशे पर सवाल उठाते हुए लिखा कि दावा बीजेपी से लड़ने का करते हैं लेकिन उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। उन्होंने पूछा कि महोदय, आप क्या राहुल गांधी जी की मदद करेंगे, आप भाजपा से डर रहे हैं और राहुल गांधी जी भाजपा से लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो इस बार पूर्णिया के लिए चुनावी मैदान में हैं, इसलिए जो लोग भी पूर्णिया के भविष्य की हिफाजत करना चाहते हैं, पूर्णिया के बेटे को अपना आशीर्वाद दें और अगले 5 साल में पूर्णिया की तरक्की को चुनें। इसको लेकर पप्पू यादव लगातार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में लोगों के बीच जा रहे हैं और वहां जाकर अपने लिए जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।